हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री. जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो क्लास 11th में आइसोमेरिज्म है हम उसको कवर करेंगे. हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारे पास एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री में उसमें भी आइसोमेरिज्म का जिक्र होता है. तो यहाँ पे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो जो आइसोमेरिज्म टर्म है ये किसने इंट्रोड्यूस की थी सबसे पहले, ये की थी बर्जीलियस ने. ठीक है, क्या मतलब होता है आइसोमेरिज्म का? आइसोज का मतलब होता है सेम और मियर्स का मतलब होता है क्या? पार्ट्स. मतलब सेम फॉर्मूला. आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन विद डिफरेंट स्ट्रक्चर. अब इसके बहुत मतलब इसके टाइप्स हैं, दो टाइप हैं, आगे फर्दर उनके भी सब टाइप हैं, उनको हम समझेंगे. ठीक है, तो ये क्या होता है आइसोमेरिज्म का मतलब? भाई आइसोमेरिज्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो ये टर्म थी इंट्रोड्यूस की थी बर्जीलियस ने. ठीक है, आइसोस का मतलब सेम, मियर्स का मतलब पार्ट, दोनों से मिलकर बना आइसोमेरिज्म आइसोमियर्स. और क्या मतलब है कि भाई सेम फॉर्मूला बट विद डिफरेंट स्ट्रक्चर. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये दो टाइप के होते हैं मेन टाइप. एक होता है स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल भी आप इसे कह सकते हो. दूसरा होता है कौन सा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म या फिर स्पेस आइसोमेरिज्म. ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. जो स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है वो क्यों मतलब क्या होता है उसमें? इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट. जो अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है उसकी उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म. ठीक है, अरेंजमेंट किन की? एटम्स की. ठीक है, विद इन द मोलिक्यूल. ठीक है, नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास? स्टीरियो या फिर स्पेस आइसोमेरिज्म. ड्यू टू डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ सम एटम. डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ सम एटम्स या फिर ग्रुप्स भी यहां पे हम इसे कह सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि जो सबसे पहला इसमें हमारे पास आता है चेन आइसोमेरिज्म. ठीक है, जो स्ट्रक्चरल में सबसे पहला टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल पढ़ने वाले हैं हम, सबसे पहले जो है स्ट्रक्चरल के टाइप्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के. सबसे पहला उसमें कौन सा है? चेन आइसोमेरिज्म. ठीक है, चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. इसमें क्या होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स. कार्बन के जो चेन होते हैं उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस. आप देखो, एक ये मैं आपके पास रिएक्शन लिख रही हूं, मतलब एक चेन है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. इसको आप क्या बोलोगे? ये हो गया हमारा एन पेंटेन. ठीक है, ये आप आई पैक वगैरह में देख कर आए होंगे. तो इसको दूसरे टाइप में हम कैसे लिख सकते हैं भाई? ठीक है, दूसरे टाइप में नहीं, जो इसका दूसरा है वो क्या हो सकता है? अब इसी का जो हमारा पेंटेन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम CH3 अगर ऐसे लिख देंगे CH करके CH2 और CH3. अब ये था एन पेंटेन, ये क्या बन गया यहाँ पे? ये ऐसा चेन आ गई ऐसी, तो इसको बोल देंगे हम आइसो पेंटेन. ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? आइसो पेंटेन.
ठीक है, इसी में बता देती हूँ। और एक नियो पेंटेन होता है, नियो कैसे होगा, नियो हो जाएगा कि भाई ऐसे है, यहाँ पे एक बोंड आ गया, यहाँ पे एक बोंड आ गया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे, नियो पेंटेन मतलब इनकी स्ट्रक्चरल जो इनकी अरेंजमेंट होगी, जो इनकी स्ट्रक्चर्स की, जैसे कि भाई नियो में थी ऐसे, ठीक है, जहाँ मेरा ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वहाँ पे आप ध्यान दें। आइसो में कैसी थी भाई, ऐसे थी अरेंजमेंट, और उसमें नी और एन में कैसी थी, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो मतलब ये तीन डिफरेंट टाइप्स की जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ी, इसके बेस पे इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल सॉरी चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, फंक्शनल की। फंक्शनल की अगर मैं बात करूं, तो क्या होता है, डिफरेंस होता है इसमें फंक्शनल ग्रुप्स में, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस कैसे, देखो मान लो हमारे पास ये है C2H5OH CH3O CH3, ये दो है, ठीक है, ये है इथाइल अल्कोहल, ये है डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। तो इनमें क्या है, इनका फंक्शनल ग्रुप अलग है, यहाँ पे OH है, OH डिफरेंट है फंक्शन, यहाँ पे CH3 है, दोनों का यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप डिफर कर गया। नेक्स्ट ऐसा ही हम एग्जांपल ले सकते हैं भाई CH3, जैसे कि CH3 C डबल बोंड OH, H C डबल बोंड O CH3, यहाँ पे क्या आया OH, यहाँ पे क्या आया CH, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफर क्या किया, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पोजिशन या फिर रीजन आइसोमेरिज्म की, कौन सा पोजिशन या फिर रीजन आइसोमेरिज्म, रीजन है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, पोजीशन जो होती है सेम फंक्शनल ग्रुप की, उसके डिफरेंस की वजह से। अब कैसे, देखो ये है मेरे पास CH3 CH2 CH2 OH, इसको मैंने क्या बताया था, बिल्कुल स्टेट है, इसको हम क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल, इसका नाम क्या होगा, एन प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। तो इसका बनाएंगे हम, ठीक है, CH3 CH3, नहीं इसका स्ट्रक्चर नहीं है, मैंने दूसरा एग्जांपल ले दिया, सॉरी इसको हटाओ, ठीक है। ये एक एन प्रोफाइल है हमारे पास, दूसरा मेरे पास रिएक्शन है CH3 CH, यहाँ पे ऊपर लगा इसमें OH CH3, इसको क्या बोलोगे, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस आया, इनकी प्लेसमेंट का, इनके रीजन का, यहाँ पे OH इधर था, यहाँ पे OH यहाँ पे था, इस OH के डिफरेंस की वजह से ये तो हो गया भाई एन प्रोपाइल, ये OH ऊपर लग गया, ये हो गया आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन का फर्क होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म में क्या होता है, जो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप से, उसमें उसको हम कहते हैं क्या, मेटामेरिज्म, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास मान लो है CH3 NH CH2 CH2 CH3, ये क्या हो गया, ये होता है हमारा मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन, ठीक है, ये हमारे पास ये होता है। और नेक्स्ट एक और हमारे पास क्या होगा, CH3 NH CH CH3 CH3, तो ये क्या होगा, मिथाइल आइसो प्रोपाइल अमाइन। नेक्स्ट क्या है, C2H5 NH C2H5, ये होगा डाई इथाइल अमाइन। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या डिफरेंस आया, अल्काइल ग्रुप, मतलब ड्यू टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच टू सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेम है, लेकिन जो उनसे अटैच्ड हैं अल्काइल ग्रुप वो यहाँ पे डिफर करते हैं, ठीक है। तीनों में अलग अलग क्या है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है।
नेक्स्ट बात करेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म की, ये क्या क्या होता है। रिंग चेन साइक्लिक है, ये साइक्लिक आइसोमेरिज्म आप इसे बोल सकते हो। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ये इसका रिंग स्ट्रक्चर हो गया। इसकी वजह से ये क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म आप इसे बोलते हो। ये क्या होता है, ये होता है साइक्लोब्यूटेन। नॉर्मली अगर आप इसको लिखो ब्यूटवनिन को तो आप कैसे लिखोगे, CH3CH2 CH डबल बोन्ड CH2, तो ये क्या होता है, ब्यूट वन इन, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके, साइक्लिक आइसोमेरिज्म होते हैं ये भी और ये भी। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, यहाँ पे हमारे पास इतने ही थे। अब स्टीरो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर जो है चेंज कर लेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले बात किसकी करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। इन कंपाउंड के पास सेम तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, लेकिन अलग क्या होता है, बिहेवियर अलग होता है। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसके टुवर्ड्स इनका बिहेवियर जो है वो वेरी करता है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। अभी इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूं, आपको इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैं अभी आपको लिख के यहां पे बता रही हूं वो चीज आपको बिल्कुल अपने माइंड में रखनी है। जो एटम पास है वो पास रहेगा और दूर वाला दूर, ये चीज आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अपने दिमाग में रखनी है कि भाई जो एटम पास है वो पास रहेगा और जो दूर है दूर रहेगा। कैसे, अभी मैं बताती हूं आपको, देखो ये है क्लोरीन, ठीक है, इससे ये अटैच है NH3, ठीक है, ये बीच में एक मिरर है, ठीक है, ये रहा, ये कुछ आपको यहां पे इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनेगी। अब आप एक बात देखो, मैंने क्या बताया था, जो एटम पास है वो पास रहेगा, दूर है दूर रहेगा। ये जो दूर थे क्या ये इसमें भी दूर नहीं है, ये जो पास थे इसके, ये यहां पे भी पास है, यहां पे भी पास है, तो ये क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है ऐसे ही, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव एक टर्म है, ये क्या होता है, काइरल, मतलब जितने भी एटम होते हैं वो इसमें डिफरेंट होते हैं, मतलब बीच से प्लेन पास नहीं होता, बीच से इसमें क्या है, प्लेन पास नहीं होता। अगर प्लेन पास हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव हम, ठीक है। तो जैसे कि ये है मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे पीटी क्लोरीन NH3, तो अगर इसके बीच से जो है ये प्लेन पास हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इसका जैसे सिस और ट्रांस में भी मैं अभी इसके एग्जांपल बताती हूँ आपको एक नई स्लाइड में,
अरे यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सिस का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये पीटी क्लोरीन क्लोरीन, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन, ये फोर्थ वन, ठीक है। ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव मैंने कौन सा बताया था? जिसके बीच से प्लेन पास हो जाए। तो क्या इसके बीच से अगर हम प्लेन पास कर दें तो ये जो है इसके बीच से क्या है, इजिली प्लेन पास हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली नहीं, सॉरी, जिसके बीच से प्लेन पास ना हो सके उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। और इसका क्या मतलब होता है कि भाई अगर आप इसके बीच से प्लेन पास करोगे तो ये इक्वल जो है इसका पार्टीशन नहीं होता। देखो यहाँ पे दो क्लोरीन ऊपर रह गई, आधा सिर्फ नीचे नाइट्रोजन, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरी तरफ देखें हम ट्रांस के केस में, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पीटी, ये क्लोरीन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये एक क्लोरीन, ये नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन, ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप बीच से प्लेन पास करके देखो क्या इक्वली नहीं जा रहा, ये तीन, ये दो ऊपर नाइट्रोजन एक क्लोरीन, दो नीचे नाइट्रोजन एक क्लोरीन, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हम इसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो है आपको याद रखने होते हैं। नेक्स्ट इसमें दूसरा कौन सा आता है? अपना फेस, ये अपना कौन सा, ये सीसो ट्रांस वाला, ठीक है, सीस ट्रांस। इसमें ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिक की अगर हम बात करें, पेन चेंज कर लेंगे सबसे पहले, ज्योमेट्रिक दो टाइप के होते हैं भाई, एक होता है सिस या ट्रांस जिसे आप कह सकते हो, ठीक है, दूसरा होता है फेशियल या मेरिडियोनल, ठीक है, यानी कि फैक या एमियर मेर, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिस की, इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरी तरफ मैं लिखती हूँ ट्रांस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या मतलब इसका, अभी समझो, ये है पी टी एन एन, ये यहाँ पे सी टी, यहाँ पे सी टी, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन आएगा सी एल क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, जो आपको ये दोनों दिख रहे हैं, ये क्या है, क्लोज इन एफिनिटी में लाइन नहीं कर रहे, ठीक है, ये क्लोज एफिनिटी में है, यानी कि और इसके बीच में क्या है, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये होता है सिस। जबकि ट्रांस क्या होता है, देखो पी टी, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया क्लोरीन, क्या ये देखो दूर दूर है, इसमें क्या एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये 180 डिग्री का, तो ये यानी क्या है, ये अपोजिट है, वो सेम डायरेक्शन में है तो सिस है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ट्रांस है, आपको ऐसे इतना याद रख लेना है बस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फेशियल की, ठीक है, फेशियल में जैसे कि मैं एग्जांपल लिख रही हूँ यहाँ पे, एफ ई एन एच थ्री थ्री सी एल थ्री, ठीक है, ये मैंने लिखा। इसको हम कैसे स्ट्रक्चर्स का ड्रॉ करेंगे, एफ ई बीच में, ये एक नाइट्रोजन, ये क्लोरीन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, तीन हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, तीन क्लोरीन है, बीच में एफ ई है। तो आप देखो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, ट्राइंगल सा, यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल। तो क्या हुआ इसका मतलब, ये क्या है, आउट ऑफ प्लेन ट्राइंगल बन रहा है, आउट ऑफ प्लेन
ट्राइंगल यहाँ पे जो 3D वगैरह में आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा वो हमने देखा था कि भाई कौन सा बिलो द प्लेन और द प्लेन अलोंग द प्लेन होते हैं, आउट द आउट ऑफ प्लेन ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का ऑब्वियसली। यहाँ पे देखो वो स्टेट कितने का है, 90 डिग्री, यहाँ पे भी कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होता है, फेशियल, ठीक है। अगर मैं अब बात करूँ मेरिडियोनल की, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेरिडियोनल की, इसमें क्या होता है, देखो ये वही सेम स्टेप सेम उसका बनाएंगे इक्वेशन का, ठीक है ये मैंने बना लिया। लेकिन यहाँ पे क्या इनकी डायरेक्शन और इनकी प्लेसमेंट चेंज हुई, राइट। ये एक नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आप इन तीनों को कंसीडर करो तो आपको ऐसा ट्राइंगल दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल ऐसे स्टेट, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये क्या है, इन द प्लेन, इन द प्लेन ट्राइंगल है ये, यानी प्लेन के अंदर लाई कर रहा है 90 डिग्री का, और एन यहाँ पे कितना है 180 डिग्री। यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है ये जो है 180 डिग्री के है, बाकी ये जो क्या है 90 डिग्री में लाई कर रही है, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप, मेरिडियोनल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये है अपना एक्सोमेरिज्म, ये टॉपिक फिनिश हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।